पुरुष है ना, उन्होंने लाइफ में, कम से कम मैरिड मेन जो है, उन्होंने लाइफ में एक डायलॉग अपनी पत्नी से जरूर सुना होगा, मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन पहली बार है कि जमाई के घर में आने के बाद, जी हाँ, सासू माँ कह रही है कि मैं मायके चली जाऊंगी, यानी कि अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये और कहीं नहीं, बस यही हो सकता है। जरा देखिए, सास सत्या और जमाई समर के बीच हो रही है साजिश, और आज जमाई राजा की साजिश कामयाब हो रही है क्योंकि सत्या देवी ने अपना ही घर छोड़ने का फैसला ले लिया है। एक माँ के अंदर कितनी तकलीफ होती है जब ये सारी चीजें वो करती है, कहती है मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए किया ना, आज ये सिला मिला मुझे। तो ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सीन्स करने के लिए बहुत कम मौका मिलता है डेली सोप में। सत्या देवी, जैसे सबको पता है, बहुत ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है और अपने हिसाब से चीज़ें की अपने दम पर। तो अब ऐसा कुछ हो रहा है हमारे घर में जो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, एंड वो उस बात से बहुत हर्ट है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अपने ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो शायद उस असमंजस में और उस दर्द में वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि सत्या देवी की छोटी बेटी रीचा ने अपनी माँ के खिलाफ अपना फैसला सुनाया और अपने डिवोर्सी पति के साथ रहने का मन बनाया, तो सत्या देवी को झटका लगेगा ही, और ऊपर से उनके घर रह रहे जमाई राजा झटके पर झटके दे रहे हैं, वो अलग। मामा, पुनीत गलत इंसान नहीं है मामा। वो भूकंप है, सुनामी है। मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रैक, बहुत बहुत हंसी आ रही है, बहुत मैसेजेस भी सही जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैसेज के साथ वो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, और ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइस, जया इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइस, द टीम, फुल टीम। मतलब ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि हम सीन कर रहे हैं। मेरे पति देव तो फिलहाल हमारे घर में बहुत सारी नौटंकियों के जिम्मेदार हैं। वो घर में आए इसीलिए क्योंकि ताकि वो तूफान मचा सके और सबको तंग कर सके, स्पेशली मेरी मम्मा को, जो वो कर भी रहे हैं बखूबी। मम्मा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मम्मा। अब तो पुनीत ने अपना अलग से घर भी ले लिया मम्मा। मम्मा, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है मम्मा। मम्मा, आप नाराज मत होइए मम्मा। सत्या देवी को इसके अलावा एक और बड़ा झटका तब मिला जब उन्हें पता चला कि उनकी ये छोटी बेटी रीचा प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जया और रीचा दोनों ने ही कितना दरवाजा खटखटाया, आंसू बहाए, मगर सत्या देवी ने दरवाजा नहीं खोला। प्रेग्नेंट है, अब वो क्या है नहीं है, उनके फादर कौन है, बीबी के हैं वो क्या, हमें सबको कुछ नहीं पता। बट अब ऑब्वियसली हम इंडियन फैमिलीज में सारी बातें, वो खुशी से डिवोर्सी, ये सारी बातें बहुत बड़ी होती हैं। ये तो अच्छा है कि घर में जमाई राजा समर मौजूद हैं, जिन्होंने सीआईडी के दया की स्टाइल में दरवाजा तोड़ दिया। मगर हाँ, साथ ही साथ अपने लिए दरवाजा जरूर बंद करवा लिया क्योंकि सासू माँ के इस इमोशनल सीन को समर ने ड्रामा बता दिया। तो हो गई जया और समर की लड़ाई, और जया ने समर को कमरे से बाहर करके उसके लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब सासू माँ इमोशनल, कब सासू माँ इमोशनल ड्रामा कर रही है, आपको ये समझना पड़ेगा, समझ रही है? अरे मेरी बात। अब सत्या देवी रुकेंगी या फिर अपने घर से कहीं चली जाएगी या फिर जमाई राजा अपने मायके चले जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।